ये तो करप्शन है फिर, ये तो अब 18 करोड़ पे यहाँ लगा दे तो ताजमहल बन जाएगा ये। कितनी पगार मिलती है? अभी तो 250 रुपये मिलता है। वही है यार, खाना पीना अपना है 10,000 की। मेरे को 500 रुपये डेली देते हैं और महीने में 2400 रुपये देते हैं। ठेकेदार खाने का 300 रुपये रोज का मिल जाए। 300 रुपये रोज देता है, मतलब सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ शिवार गार्डन के सार्वजनिक शौचालय पर। मीरा भाईंदर में 200 टॉयलेट है लगभग, और उसका ठेका 18 करोड़ का दिया गया है। और ये ठेके के पैसा जो है ठेकेदार तो लेते ही है, लेकिन इसके अलावा आम जनता से भी प्रति व्यक्ति 3 रुपये 5 रुपया लिया जाता है। और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हम जाइए आइए जानते हैं उन्हें क्या प्रतिदिन दिया जाता है। आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? 1 साल का ऊपर हो गया। क्या क्या रोज में क्या महीना मिलता है, कितने घंटे का काम करते हो? सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक। कितना पैसा देता है ठेकेदार? ठेकेदार खाने का 300 रुपये रोज का मिल जाए। 300 रुपये रोज देता है, मतलब सुबह 5 बजे से दोपहर के 2 बजे। 2 बजे तक का दो शिफ्ट में काम चलता है। हाँ अच्छा, तो कुल मिला के मतलब आपको 9,000 रुपये महीना। हाँ, खाने का अलग से देता है? हाँ, खाने का नहीं। अच्छा, तो ये 1 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हें 300 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। और टोटल कितना रुपया मिलता है महीने में, कितना कमा लेते हो? 9,000। यहाँ का गल्ला कितना आता है? ओ, हो जाता है 1,000-1,200। 1,000-1,200 रुपये रोज का गल्ला है। तो यहाँ का भी रोज का जो यूज़ होता है उससे 1,000-1,200 के आसपास रोज का गल्ला है। जबकि ये जो काम कर रहे हैं इनको पूरी तरीके से मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा है। जबकि नगर पालिका गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो गाइडलाइन निर्धारित की गई उस हिसाब से रुपया अदा कर रहा है, ठेकेदार इन्हें पूरा पैसा देता नहीं है। और अगर ये शिकायत करने जाए तो इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन मजबूरी में काम धंधा ना होने के कारण ये भी मजबूरी में अपने जी रहे, बीवी बच्चे पाल के रह रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। रोज के 5,200 के लगभग का खर्चा मनपा दिखा रही है टॉयलेट के सफाई में। और यहाँ मिली जानकारी के हिसाब से यहाँ महीने का सिर्फ एक आदमी रखा हुआ है 10,000 रुपये पे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार चलता आ रहा है मनपा में, क्या है पूरा और इसका पूरा भंडाफोड़ करते हमारे बीच हैं प्रदीप जंगम। आइए जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मामला। प्रदीप जी बताइए क्या है पूरा मामला। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत जितने भी ये टॉयलेट्स बनाए हैं लगभग एक मुझे जानकारी है कि 220 टॉयलेट्स है। इस 220 टॉयलेट्स का एक ठेका जो अभी नए से मंजूर किया है उसका कॉस्टिंग है 18 करोड़ रुपया, मतलब दिन का 5,200 रुपया। लेकिन आप ग्राउंड पे अगर आकर आप खुद देख रहे हैं कि महीने का 10,000 रुपया दे रहे हैं इन लोगों को, तो ये कहीं तो मतलब महानगर पालिका के माध्यम से जनता की सरेआम लूट होती जा रही है। टॉयलेट साफ करने का 18 करोड़ का टेंडर पास कर रहे हैं, कुछ शर्म रखनी चाहिए अधिकारी को। चलो अधिकारी दबाव में है राजकीय नेताओं को, अरे मतलब कम से कम टॉयलेट का तो पैसा छोड़िए। राजनेता जो बंगले में बैठ कर टेंडर पास करवाते हैं, टेंडर प्रोसेस ऐसा है कि लोकल कॉरपोरेटर बॉडी स्टैंडिंग कमेटी इनका 5-5%, 10% हो चला गया, 20% जो टेंडर पास करता है बंगले में बैठ के, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे टेंडर कौन पास करता है? 20% उसका, 30% उसमें, मतलब 18 करोड़ के 30% माइनस कर दीजिए। इनका डायरेक्टली मुनाफा इन राजनेताओं का है, ये गरीब लोगों को क्या मिल रहा है? महाराष्ट्र शासन का एक जीआर है कि मेहतर समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों को एक काम दिया जाए, जो पिछड़े वर्ग के, जाति पाति का राजकारण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो लोगों का अधिकार है उन लोगों को अधिकारों को मिलना चाहिए। और ये टेंडर दिया जा रहा है किसी दूसरे जाति के लोगों को सिर्फ पैसे बर्बादी करने के लिए और पैसे खाने के लिए। हाँ, उच्च वर्णीय जाति ऐसा भी बोल सकते हैं कि दूसरे कास्ट के लोगों को दिया जाता है ये टेंडर, और जिन लोगों का अधिकार है उन लोगों का, मतलब महाराष्ट्र शासन का जो जीआर है उसका उल्लंघन किया गया है। और ये जो शाइन मेंटेनेंस करके जो भी ठेकेदार इन्होंने नियुक्त किया महानगर पालिका ने, 18 करोड़ रुपया, मतलब कुछ एक सोचने वाली बात है। अभी ये जो टॉयलेट, चलो ठीक है, 10 सीट यहाँ पे है, 7-7 14 सीट है यहाँ पे, बाकी के टॉयलेट्स की तो मैंने जो जाँच की है वहाँ पे तो ना दरवाजे है ना आदमी रहता है वहाँ। मेरा एक ही डिमांड है यहाँ पे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत 3,000 सफाई कर्मचारी है जो यहाँ पे रोज झाड़ू मारते हैं, वो लोग भी तो साफ सफाई कर सकते हैं, उनको भी तो डेली 300 रुपये पगार मिल रहा है, 100 रुपये एक्स्ट्रा है उनको ऐड करके, 200 टॉयलेट्स है, 200 टॉयलेट्स के लिए आपके पास कर्मचारी है ऑलरेडी, उनको ये ठेका दिया जाए ना, तो मेहतर समाज के जो वाल्मीकि समाज के मीरा भाईंदर के जो जितने लोग हैं उनको ये साफ सफाई की मतलब साफ सफाई करने का
पेमेंट दिया जाए उनको। ये 18 करोड़ बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। महानगर पालिका का पानी है, महानगर पालिका की लाइट है, और जहाँ जो भी प्रोग्राम्स होते हैं इनका कनेक्शन भी यहाँ से ही जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है वो गोल्डन नेस्ट सर्कल का टॉयलेट है, जहाँ 6 घंटे का 250 रुपया मिलता है और रोज का जो गल्ला है वो मोर देन 2000 रुपीज़ है। ऐसे ही और कई शौचालय का आपको हम सर्वे करवाते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से धांधली चल रही है। सर्वे चला तो ये ठेकेदार का है? हाँ ठेकेदार का। क्या महीना देते हैं आपको? मेरे को 500 रुपये डेली देते हैं और महीने में 2400 रुपये देते हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे भी जो आते हैं शौचालय के लिए उनसे क्या चार्ज करते हैं आप लोग? चार्ज जेंट्स का 3 रुपये, लेडीज का 2 रुपया। लेडीज का 2 रुपया, हाँ, जेंट्स का 3 रुपया। हाँ। कितने साल से काम करते हैं? अभी तो हम 15 दिन से आए हुए हैं और लोग गाँव गए हुए हैं। कितने लोग काम करते हैं? 2 लोग हैं अभी। कितनी पगार मिलती है? अभी तो 250 रुपये मिलता है रोज का। हाँ। और कितने टॉयलेट है यहाँ? यहाँ पे हैं 9 है टोटल। रोज का कितने का गल्ला है? अभी उसको मालूम रहेगा, 5-6 घंटा बैठता हूँ, उधर अभी जा रहा है भाई। कितने बजे से कितने बजे तक आप काम करते हैं? मैं तो 6 घंटा करता हूँ बस, 6 घंटा। 6 घंटे का कितना पगार? 250 रुपये देता है। हाल ही में अभी आप, हमने देखा कि आपने टॉयलेट यूज़ किया, क्या बताएंगे इसके बारे में? नहीं, एकदम गया गुजरा है, कोई भी इसकी रख रखाव नहीं है, कोई सफाई का कोई ध्यान नहीं है। खाली ये लोग मनमानी तरीके से पैसा वसूलते लोगों से, गरीब लोगों से, और भी डरा धमका के वसूलते हैं, जो नहीं होना चाहिए वो भी वसूलते हैं। सर, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 18 करोड़ रुपये सालाना टॉयलेट सफाई पे खर्चा किया जा रहा है हमारे पैसों से, क्या कहेंगे? ये तो करप्शन है फिर, ये तो अब 18 करोड़ रुपये यहाँ लगा दे तो ताजमहल बन जाएगा, ये बाथरूम नहीं रह जाएगा, है ना, मुमताज रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऐसा है, आप कोई सफाई कोई रख रहा हो, किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या मिलता है आपको यहाँ पे? यहाँ पर हमको पगार मिलता है। कितना पगार? वही है, खाना पीना अपना है, 10,000 की। 10,000 पगार। कितने लोग काम करते हैं? बस मैं अकेला ही है। साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई एकदम ओके है, देखिए सर। आप ही करते हो? जी। यहाँ की जितनी साफ सफाई है, जो मेंटेनेंस है, सब आप करते हो? मैं ही करता हूँ सब। आप करते? जी। लगभग कितना पानी खर्च हो जाता है रोज का? पानी लमसम खराब, इसमें खर्चा होता है 1,000 लीटर। 1,000 लीटर। ये पानी कहाँ से आता है, टैंकर है या सरकारी मिलता है? नहीं नहीं, ये मतलब ये कम गिरता है कभी तो टैंकर से गिर जाता है, तो सप्लाई वाला पानी है। सप्लाई वाला पानी? अच्छा, मतलब सरकारी आता है ना? सरकारी पानी? नहीं। तो ये जो ठेकेदार है इनका क्या नाम है? इनका बाबू भाई नाम है। कहाँ के हैं ये? रहते हैं भाई काला, रहते हैं। आप कितने साल से यहाँ पे हो? मैं यहाँ कम से कम 6-7 साल से है, 6 साल कम से। तो लगभग कितने लोगों का रोज यहाँ पे इस टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर वही है 60-70 बस। मैंने सरकारी हॉस्पिटल बने ना, सरकारी स्कूल बने, अभी तो मांग कर रहे कि नाइट कॉलेज चालू करें। अरे मतलब 7वीं तक स्कूल है यहाँ पे, आप वो नहीं बना पाए? अच्छे रास्ते, अच्छे गटर तोड़कर वही अपना नगर सेवक नहीं थी, जो 2-2 करोड़ रुपया नगर सेवक को मिलता है उसका 30% माइनस करो, उसके हिसाब से अगर काउंट करने जाए तो 95 × 30% आप काउंट कीजिए उसका, उतना ही सब। तो ये सब पैसे की ये चल रही है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि उनको उतनी पढ़ाई नहीं है। आज बोल रहे कि हम लोग ने विकसित किया 15 सालों में, सिर्फ 10 लाख रुपए की बैलेंस शीट आज 500 करोड़ रुपया तक पहुँची है उनकी बैलेंस शीट, उतना उन्होंने काम किया, बाकी ये जनता के पब्लिक के टैक्स की बर्बादी होती जा रही है। और ये सभी मिलजुल कर सभी पार्टियों ने, जब ये ठेका पास हुआ तो उसको विरोध करना चाहिए। कांग्रेस महानगर पालिका जाती है, मैं तो कभी महानगर जाता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जानकारी है वो लोग कांग्रेस के, शिवसेना है, सबको अपने अपने परसेंटेज मिलते हैं, कोई बोल नहीं सकता है। मैं गया, मैं इसके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में जरूर जाऊंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से मीरा भाईंदर के लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। 18 करोड़ रुपया सिर्फ टॉयलेट सफाई में दिया जा रहा है, जबकि जिन्हें मिलना चाहिए मूलभूत से उसे मिला भी नहीं जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात कही है, और ये हमारे माध्यम से हम भी यहाँ के नगर सेवक, आमदार और सब तक पहुँचाना चाहेंगे कि 300 सफाई कर्मचारी जिन्हें 300 रुपये रोज का मिलता है, अगर 100 रुपया उन्हें बढ़ के इसकी साफ सफाई का मिले, तो ये ठेकेदारों का जो ठेला चल रहा है मीरा भाईंदर में वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। आप देख रहे थे मेरे साथ यानी दीपाली मिश्रा और शकील शेख के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।